हमारे चैनल हमारा बिहार न्यूज को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा शहर के बड़ी बाजार के आभूषण दुकान से 5 लाख के आभूषण एवं रत्न की हुई चोरी। पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर धर दबोचा सरगना सहित दो चोर को। जी हां, किशोर वय लड़कों के माध्यम से आभूषण दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का और नगर थाना के पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने सरगना के अतिरिक्त दो किशोर को धर दबोचा है। इधर चोर के पास से लाखों के आभूषण एवं रत्न को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस को इसके लिए 42 सीसीटीवी कैमरा को खंगालना पड़ा। वहीं गिरफ्तार सरगना राज रहमानी सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के हयातपुर गाँव के निवासी है, जो कि वर्तमान में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर में किराए के मकान में रहकर गिरोह चलाता था, जहां से सरगना सहित एक किशोर को दबोचा गया है। वहीं दूसरे किशोर को नगर थाना क्षेत्र से दबोचा गया है। इधर नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि 23 जुलाई 1:43 बजे जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कन्हैया प्रसाद ठाकुर के बड़ा बाजार स्थित शिव ज्वेलर्स ज्योति केंद्र में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जेडीयू नेता के पिता राम सेवक ठाकुर अपनी दुकान में आराम कर रहे थे। इसी बीच दो किशोर मौका देखकर 5 लाख रुपए का आभूषण और रत्न का पैकेट उड़ा ले गए। वहीं दोनों किशोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं आया। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें कुछ लोगों से बात करते हुए दोनों किशोर को देखा गया। वहीं पूछताछ में पता चला कि उन दोनों का तो नहीं जानते हैं, पर बात करने के बाद दरभंगा टावर की ओर चले गए। इसके बाद पुलिस ने आगे की सीसीटीवी को खंगाला। इसमें कई जगह पर फुटेज भी पुलिस को मिला। बाद में एक युवक को पकड़ा गया। पूछताछ में एक किशोर का पता चला, जिसे नगर थाना क्षेत्र के नदी के पश्चिमी मोहल्ला से पकड़ा गया। हालांकि उसकी निशानदेही पर अलीनगर में छापेमारी की गई, जहां से सरगना सहित एक किशोर को दबोच लिया गया। हालांकि तलाशी के क्रम में आभूषण और रत्न की बरामदगी हुई। उन्होंने बताया कि दोनों किशोर को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि सरग को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस पकड़ी हुई है, पुलिस गलत फहमी है, इसलिए पकड़ के ले आए। क्या गलत फहमी है पुलिस को? मेरे पॉकेट में सामान रखा हुआ था किसी वजह से। कौन सामान रखा हुआ था? तो सोना चांदी चला के। अच्छा, तो कौन रख दिया इसकी जानकारी नहीं है? है वो दो लड़का है। क्या नाम है? आमिर। कहाँ घर है? हरवाल। सर, नगर थाना ने एक दरभंगा के जहाँ सोना व्यापारी काम करते हैं बड़ा बाजार, वहाँ में एक चोरी हुई थी, बहुत जल्दी केस का उद्भेदन किया। सर, क्या है मामला, किस तरीके से ट्रैक हुआ? मामला ये है कि 23 जुलाई 2023 को बड़ा बाजार स्थित शिव ज्वेलर्स के यहाँ दोपहर 1:30 बजे चोरी होती है। जब वो नींद में सो रहे होते हैं, दुकान खुली रहती है, शटर पार्शली बंद रहता है, चोर आराम से अंदर जाते हैं और सोए हुए रहते हैं, सीसीटीवी में देखा जा रहा है। और उनकी मौजूदगी में, दुकान के अंदर उनकी मौजूदगी में चोरों ने हाथ साफ कर कुछ रत्न जड़ी अंगूठियाँ वगैरह जो करीब 5 लाख मूल्य के बताए जा रहे थे, उसे चुरा लिया गया। फुटेज वगैरह का अवलोकन दुकानदार ने अपने स्तर से किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। फुटेज को फाइनली उन्होंने 29 तारीख को देखा, जब उन्हें कुछ सामान मिसिंग प्रतीत हुआ। उसके बाद 1 अगस्त को नगर थाना में FIR दर्ज होता है, इस चोरी के संबंध में CCTV फुटेज वगैरह खंगाला जाता है। और नगर थाना अध्यक्ष अचन सिंह की तत्परता में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर एक टीम का गठित किया गया। टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी फुटेज से उनको खंगाला गया, चोरों के जाने के जो रास्ते वगैरह हैं उनमें, और भी लोगों से पूछताछ कर चोरों के हुलिये पर काम करते हुए बड़ी तत्परता से और बहुत जल्दी इन चोरों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम अमन है, आमिर है, दोनों नाबालिग हैं, उन्हें जो नहर होम भेजा गया है। एक और लड़का जिसका नाम सिराज रहमानी है, सिंगवाड़ा का है। कहा जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह के कांडों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन कभी यहाँ तो पकड़ा नहीं गया था। इस बार चोरी का माल उसके पॉकेट से बरामद हुआ है। सारे जो रिकवरी हुई है उसकी पुष्टि करा ली गई है और एक सफलता मानी जाए कि 1 तारीख को FIR रजिस्टर्ड होता है, 4 तारीख को चोर पकड़े जाते हैं, सारा माल रिकवर हो जाता है। तो 72 घंटे के अंदर मतलब ये रिकवरी होती है। उस क्षेत्र में कई बार भी चोरी हुई है, बहुत महीने लग गए, लेकिन इस बार टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है। क्या कहेंगे नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के? हाँ, टीम नगर थाना प्रभारी का काम सराहनीय है, टीम हमेशा अच्छा काम करती है। बात टेक्निकल इनपुट्स की है, कभी कुछ लोग जल्दी मिल जाता है, कभी कुछ फाइंडिंग में टाइम लगता है।
सर, सीसीटीवी फुटेज ने बहुत ही काम आसान कर दिया उस क्षेत्र में, और बहुत सारे दुकानदार अभी भी नहीं लगाते हैं, पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाता है, ऐसे दुकानदारों के लिए कोई संदेश जो व्यावसायिक होते हैं? देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश पहले भी दिया जा चुका है, फिर कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी जो स्वयंसेवी हैं, जो दुकानदार हैं, स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर लगाते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा बेहतर होते हैं। अगर ये इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन के लिए है, हर रोज़ आपको इसकी उपयोगिता समझ नहीं आएगी, इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, लेकिन जब कुछ होता है तो ये बड़ा कारगर साबित होता है।